हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। अब एक बहुत ही कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स फाइनलाइजेशन। खुद करो तो सेल्फ असेसमेंट, खुद ना करो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको पकड़ के असेसमेंट कर दे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कई बार आप रेट नहीं फाइनल कर पा रहे, प्रोविजनल असेसमेंट। कर चुके हो असेसमेंट, बाद में दोबारा से देखनी पड़ रही है बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ठीक से नहीं हुआ, तो रीअसेसमेंट। कोई उनके हाथ में चीज़ लग जाए, सम एविडेंस जो ये प्रूव करे कि भाई आपने टैक्स ठीक से नहीं दिया, तो सम रीअसेसमेंट। तो अलग अलग असेसमेंट्स हैं। लेट स्टार्ट चैप्टर 18। सो चैप्टर 18 हम ले रहे हैं। इसके अंदर हमारा चैप्टर है असेसमेंट का। जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस भी किया, असेसमेंट का बेसिकली क्या मतलब है, तो असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी जीएसटी लायबिलिटी अंडर द जीएसटी एक्ट। नेचुरली अब अगर हम सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी की बात करें तो यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी की बात करें तो आईटीजीएसटी एक्ट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। इनमें से दो मैं आपके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं हैं। फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट। जो स्टूडेंट्स टैक्स पढ़े हुए हैं वे जानते हैं कि सेल्फ असेसमेंट का जो कंसेप्ट है, ये इनकम टैक्स में भी है और सभी में शायद होता होगा कि जो आप खुद से अपने आप से, अब आज की तारीख में जो रिटर्न भरनी है वो सच्ची वो खुद ही भरनी है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन एज पर डेटा अराउंड 95 लाख 1 करोड़ के आसपास लोग हैं जो जीएसटी की रिटर्न्स भर रहे हैं। आप सोचो 1 करोड़ लोगों के लिए जीएसटी में कितने लोगों को अपॉइंट किया जाए जो जाके एक एक बंदे की असेसमेंट करे, तो यानी प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो द ओनली पॉसिबल मेथड इज सेल्फ असेसमेंट, कि आप खुद करो और सरकार को अपनी रिटर्न जमा कराओ। दैट इज द आई बिलीव ओनली प्रैक्टिकल वे आउट। सो अंडर जीएसटी एवरी टैक्स पेयर सेल्फ असेस हिज टैक्स लायबिलिटीज। हमको खुद ही अपनी रिटर्न भरनी है, जो टैक्स बन रहा है वो खुद जमा कराना है, राइट। ही फर्निशेस द सेम अंडर द रिटर्न्स एंड पे टैक्स अकॉर्डिंगली। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी असेसमेंट खुद कर रहे हो। सपोज आप खुद कहते हो कि मैंने एक महीने में 40 लाख की सप्लाई की और आप टैक्स जो है वो 10 लाख के हिसाब से जमा करा रहे हो, तो ये थोड़ी होगा। जो आपने अपनी असेसमेंट भरी, यानी कि जो आपने अमाउंट शो किया, राइट, तो जो आपने अमाउंट शो किया आप उसी के हिसाब से तो रिटर्न भरेंगे ना, और उसी के हिसाब से ही आप अपना टैक्स भी पे करेंगे। दैट इज आई बिलीव द करेक्ट वे इज, राइट। चलिए, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं है तो हम भी इस पे बहुत ज़्यादा गहराई में ज़बरदस्ती नहीं उतरते। नाउ वी गो टू द प्रोविजनल असेसमेंट। अब प्रोविजनल असेसमेंट में क्या है, जहाँ तक पढ़ने पढ़ाने का सवाल है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको वैल्यूएशन क्लियर नहीं है, आपको जीएसटी का, आपको मतलब असेसी को यानी सप्लायर को जिसने रिटर्न भरनी है, टैक्स देना है, सपोज उसको नहीं क्लियर है, इज नॉट क्लियर कि भाई मेरा वैल्यूएशन कितना बनेगा या मेरा टैक्स रेट कौन सा लगेगा। कई बार रेटों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। गवर्नमेंट कहती है 1000 रुपये तक ये रेट है ना, 1500 रुपये से ये रेट है, उसमें फिर ये नहीं समझ में आता है एमआरपी पे चलें, डिस्काउंटिंग की हमने कोई स्कीम निकाल दी। लॉट मेनी टाइम्स इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग थिंग फॉर द जीएसटी सप्लायर कि भाई मेरे को कितना रेट लगाना है। अब ऐसे में डेफिनेटली फिर वो डिपार्टमेंट के टच में आके प्रोविजनली रेट्स चार्ज करेगा या प्रोविजनली रिटर्न्स भरेगा, और फिर ऑब्वियसली विद इन द टाइम लिमिट्स इन सब चीज़ों को फाइनल किया जाएगा। आखिर कभी तो इसका यू कैन से फाइनल डिसीजन होगा। सो द प्रोविजनल असेसमेंट टेक्स प्लेस व्हेन द टैक्स पेयर is not able to evaluate the value of goods/services or the rate
ऑफ टैक्स, रेट ऑफ जीएसटी। यानी कि जब दो में से किसी भी एक चीज पर कंफ्यूजन है, दो में से किसी एक चीज पर डाउट है, या तो उसको वैल्यूएशन पर डाउट है या उसको रेट ऑफ टैक्स पर डाउट है, तब उस सिचुएशन में वो ऐसा प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में सोचेगा। देन इन सच केसेस होगा क्या, होगा ये कि ही रिक्वेस्ट प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस। यानी कि वो एक तरह से ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मैं जो भी टैक्स है वो प्रोविजनल बेसिस पे देता हूँ, जिसको बोलते हैं ना भूल चूक लेनी देनी, बट उसके लिए उसको अप्रूवल चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से ही कर लेगा। द रिक्वेस्ट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड कंटेन रीजंस आल्सो। ऐसा होता ना सर, हमने बचपन में सुना था कि हम स्कूल में छुट्टी ले रहे हैं तो एक एप्लीकेशन देते थे और उसमें रीज़न भी लिखते थे, चाहे वो सच्चा था या झूठा, कि हम बीमार हैं, हमें बाहर जाना है, ये है वो है। सो कहीं पर भी अगर हमको रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो इट शुड बी अ रीज़न रिक्वेस्ट, कि क्या रीज़न है। फिर ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर हमारे ऑर्डर को पास करेगा। तो ऑफिसर शैल पास एन ऑर्डर, कब तक, विद इन 90 डेज, ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते ना, नहीं तो वो इशू ही पेंडिंग रहेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट, जब आपने रिक्वेस्ट की 3 महीने के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। जो ऑर्डर है, द ऑर्डर विल कंटेन द टैक्स लायबिलिटी दैट विल बी पेड बाय द टैक्स पेयर प्रोविजनली। एक तरह से टैक्स पेयर ने जो प्रोविजनली पैसा देना है उसके बारे में उसको पता चल जाएगा ऑर्डर के थ्रू। एंड जो फाइनल ऑर्डर है उसका होगा क्या, द फाइनल ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द ऑफिसर विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द प्रोविजनल ऑर्डर। समझे, अगर हम टाइम बाउंड बातें रिवाइज करें, प्रोविजनल असेसमेंट पहले कब होगी, जब उसको वैल्यू ऑफ गुड्स क्लियर नहीं है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई आई शुड से, या रेट ऑफ टैक्स क्लियर नहीं है। पहले तो ये हो गया कि प्रोविजनल असेसमेंट की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, तो प्रोविजनल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है वेयर द वैल्यू और द रेट इज़ नॉट क्लियर। फिर सबसे पहले वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मेरे से नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं चल रहा मेरी क्या वैल्यू है क्या नहीं है, राइटिंग में करेगा रिक्वेस्ट, या दूसरी बात रीजंस देगा साथ में, इसको मैं बोल देता हूँ तीसरी बात। फिर ऑफिसर जो है वो विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर आपको बोल देगा अच्छा ठीक है आप इस तरह से जमा करा दो, द ऑर्डर विल कंटेन द टैक्स लायबिलिटी दैट विल बी पेड और आई शुड से पेएबल बाय द टैक्स पेयर प्रोविजनली। और जो फाइनल ऑर्डर है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो विद इन 6 मंथ्स आएगा फ्रॉम द प्रोविजनल ऑर्डर। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये लंबा टाइम ले लिया इसने, पहले तो 3 महीने उनको मिल गए अपना ऑर्डर देने के लिए, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट यानी 3 महीने का टाइम, और फिर 6 महीने आए फ्रॉम द प्रोविजनल ऑर्डर। तो अच्छा खासा टाइम तो ले ही लिया इन्होंने, बट ये है कि चलो एक फाइनल ऑर्डर फाइनली मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं नोट में कुछ पॉइंट्स और छोटे मोटे देना चाहता हूँ कि जो 6 महीने की बात अभी हमने की, द 6 मंथ्स टाइम पीरियड, ठीक है ना, मे बी एक्सटेंडेड, हो सकता है कि कुछ इशू हो जो रिजॉल्व ही ना हो रहा हो, तो रूटीन में तो 6 महीने हैं, बट इसको जॉइंट कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर बढ़ा सकते हैं फॉर अ फर्दर पीरियड। कई बार ये भी होता है ना, इम्प्लीकेशन बहुत हाई होती है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स और बाय कमिश्नर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक पीरियड में भी एक्सटेंडेड की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता इस तरह की चीज़ों को याद रखना, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट हैं तो हर लॉ को पढ़ते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि अगर 6 महीने में डिसीजन नहीं हुआ तो बस कुछ हो ही नहीं पाएगा, अब तो प्रलय ही आ गई। अगर 6 महीने में नहीं हो पा रहा तो रूटीन में ज्वाइंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर एक रीजनेबल लेवल की पोस्ट है, आप ये समझ सकते हैं कि, तो ये लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीने के लिए और, कि भाई चलो
टाइम लग रहा है इसको कर लें, और कमिश्नर के पास तो अच्छी खासी पावर दे दी, 4 ईयर्स, 4 साल तक वो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है ऑन शोइंग सफिशियंट रीजंस, राइट। तो सफिशियंट रीजंस पर 4 साल तक के लिए ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। ACJC असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। 90 दिन में रूटीन में जवाब आएगा, 6 महीने में उसके बाद फाइनल ऑर्डर आएगा। आपको राइटिंग में रिक्वेस्ट देनी है रीजंस के साथ, रिक्वेस्ट करना है वैल्यूएशन और रेट ऑफ टैक्स पर आप क्लियर नहीं हैं। दिस इज द एवरीथिंग अबाउट प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो में इतना ही लेंगे, क्योंकि जो अगला है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो ले रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।